हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो टुडे वी कम टू एन एंड ऑफ द बायोलॉजी सिलेबस, एंड आज की माइट भी हमारी लास्ट क्लास होगी जिसके अंदर हम बायोलॉजी के सिलेबस के आखिरी टॉपिक जो है डिस्कस कर रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेड डाटा बुक, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सेतु एंड एक्स सेतु कंजर्वेशन। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हमें ये पता कैसे चलता है कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर लॉस होने लग रहा है? कोई ना कोई उसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि पहली जो स्पीशीज थी वो कितनी थी और अब स्पीशीज कितनी है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि पहले ज़्यादा स्पीशीज थी अब कम है, तभी तो लॉस हो सकता है ना। तो पहले तो हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए, एंड उसके लिए काम करती है हमारी एक बुक जिसको कहते हैं रेड डाटा बुक। जैसे कि नाम से क्लियर है, रेड, रेड का मतलब खतरे की घंटी, डाटा का मतलब डाटा है, ठीक है, एक किताब है उसके अंदर डाटा लिखा हुआ है, और वो भी किसका, जिन स्पीशीज की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है और माइट भी वो इंडेजेंट हो सकते हैं या फिर वो जो है रेयर हो सकते हैं। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तो रेड डाटा बुक एक डॉक्यूमेंट है, एंड वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है रिकॉर्डिंग के लिए, यानी कि रिकॉर्ड बनाने के लिए जो है वो बनाया जाता है, एंड उस रिकॉर्ड के अंदर क्या चीज़ होती है, इंडेंजर्ड और जो रेयर स्पीसीज है, चाहे उसमें कोई प्लांट हुआ या एनिमल हुआ या फंगी हुई, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, यानी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर प्लांट, फंगी, प्लांट, एनिमल्स, अगर उनकी रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज की अगर हम लिस्ट बनाने लग रहे हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, रेड डाटा बुक क्या देते हैं। अब रेड डाटा बुक को बनाता कौन है? इसको कंडक्ट करवाता है IUCN। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये अपनी रेड डाटा बुक जो है वो बनाता है, एंड फिर उसको पब्लिक के अंदर पब्लिश करता है कि ये ऐसी स्पीसीज है जिसके ऊपर खतरा काफ़ी ज़्यादा है, एंड माइट भी आने वाले टाइम के अंदर वो एक्सटेंड जो है हो सकती है। तो अगर हम इस बुक के अंदर देखें तो इस बुक के अंदर हमें क्या मिलेगी, किसके अंदर मिलेगा, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी कि वो स्पीसीज जो अब अर्थ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ना तो उनके कोई पेरेंट है ना ही ऑफस्प्रिंग है, यानी कि अब वो धरती के अंदर नहीं है। जैसे कि डायनासोर, डायनासोर आज के टाइम पे बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है अर्थ के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, वो एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। कुछ ऐसी स्पीसीज है जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और कुछ इंडेंजर्ड होती है, इसका मतलब क्या है कि ऐसी स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो सकती है कभी भी, अगर कभी भी, यानी कि नियर विद इन वन और टू ईयर के अंदर अगर वो एक्सटिंक्ट हो सकती है तो उसको हम कह देते हैं कि वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, लेकिन 5-10 साल के बाद अगर वो एक्सटिंक्ट हो सकती है तो नॉर्मली हम उसको कह देते हैं कि वो कैसी है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो यानी कि इंडेंजर्ड तो खतरे के अंदर आ जाती है, लेकिन क्रिटिकल इंडेंजर्ड यानी कि जो सबसे ज़्यादा खतरे के अंदर है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती है जो वनरेबल है, एंड वो माइट भी 50-100 साल के बाद में हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर वो एक्सटेंशन के कगार पर जो है वो आ जाए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होने लगने लग रही है। तो एक स्पीसीज एक्सटेंट कब हो सकती है, जब उसकी पॉपुलेशन का नंबर जो है वो कम होने लग जाए। तो सबसे ज़्यादा कम नंबर किसका होगा, वेल क्रिटिकली इंडेंजर्ड का, फिर उससे ज़्यादा किसका होगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज का, एंड वल्नरेबल का उससे थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा होगा। बट ये सभी ऐसी स्पीसीज है जिनका एक्सटेंशन नियर फ्यूचर जो है वो बिल्कुल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू IUCN जो ये रेड डाटा लिस्ट है वो ये बताती है कि लास्ट जो 500 साल हैं उनके अंदर अराउंड 784 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, यानी कि साल के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने लगने लग रही है। उनमें से कुछ का एग्जांपल जैसे डोडो है, क्वागा है, स्टीलर्स सी काओ है, टाइगर की डिफरेंट स्पीसीज के वेरिएशन जो है हुआ करते थे लेकिन आज के टाइम पे नहीं है। आज के टाइम पे टाइगर जो है वो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एंड इसी वजह से उसको बचाने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन और मीडिया जो है उसके ऊपर न्यूज़ जो है वो देती रहती है। अराउंड अगर आज के टाइम पे देखें तो 31% जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं और 32% एम्फीबियन और 12% बर्ड्स की स्पीसीज ऐसी है और 23% मैमल्स की स्पीसीज ऐसी है जो अंडर थ्रेट है, एंड वो एक्सटिंक्ट जो है वो कभी भी हो सकती है। नॉर्मली इस तरीके का जो एक्सटेंशन रेट है वो आज से पहले हुआ नहीं था। आज से पहले यानी कि धरती का आज जो यानी कि 2020वां साल है, उससे पहले की अगर बात करें तो धरती जो है 5 बार अपने एक्सटेंशन इवेंट से होके गुजर चुकी है, लेकिन अभी जो एक्सटेंशन इवेंट है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, एंड उसके एक्सटेंशन इवेंट का जो कारण है वो क्या है, तो वो 4 बड़े कारण हैं।
हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड एक्सप्लोइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। मेनली इसके पीछे जो रीज़न है वो ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन की एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से डिफरेंट स्पीसीज जो है अपने हैबिटेट को लूज़ कर देती है, एंड अगर उनको हैबिटेट नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली वो रह नहीं पाएंगे और अल्टीमेटली उनके अंदर जो है एक्सटिंक्शन इवेंट जो स्टार्ट हो जाएगा। तो चार बड़े कारण हैं, यानी कि चार इवल ऐसे क्वाड्रेट है जिनकी वजह से एक्सटिंक्शन इवेंट होता है। तो पहला यानी जो अभी जो कारण बना हुआ है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, हमने लार्ज फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया है स्मॉल पीसीज ऑफ फॉरेस्ट के अंदर, एंड वो किस वजह से, क्योंकि हम शहरीकरण ज़्यादा करने लग रहे हैं, अर्बनाइजेशन ज़्यादा होता है, माइनिंग होती है। आज के टाइम पे आप देख सकते हो आपके घर के अंदर किसी ना किसी मेटल का कोई ना कोई बर्तन भी होगा। आजकल तो जो गेट है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेटल की जो है बनने लग रही हैं। तो माइनिंग जितनी ज़्यादा होगी वो जो एरिया है उतना ज़्यादा ख़राब होने लगने लग जाएगा। अर्बनाइजेशन जितनी होगी वहाँ पर पेड़ पौधे उतने ही कम होते जो है वो चले जाएंगे। इसके अलावा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर होता है। वहाँ पे क्या करते हैं कि एक जंगल था उसको जो है पहले जला दिया जाता है, एंड उनकी जली हुई जो एशिज है उसको वहीं पे डाले रखते हैं। कुछ टाइम के बाद में वो एशिज सोयल के अंदर जो है घुल जाती हैं, एंड फिर वहाँ पर जब सीड उगाते हैं तो वो अच्छे से जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो पहले तो फॉरेस्ट को काटो, फिर उसके बाद में नई फसल पैदा करो। एक दो बार फसल तो वो अच्छी होगी लेकिन उसके बाद में न्यूट्रिएंट जो है कम होने लग जाते हैं, एंड वो उस एरिया को छोड़ करके दूसरी जगह जो है अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे भी ऐसे ही काम करते हैं, पहले वो स्लैश करते हैं यानी काटते हैं फॉरेस्ट को, फिर वहाँ पे बर्न जो है उनको कर दिया जाता है। दो तीन बार उनकी जो खेती है वो अच्छी होती है, फिर उसके बाद वो छोड़ के वो तीसरे एरिया के अंदर चले जाते हैं। यानी कि फॉरेस्ट को स्लैश और बर्न करके एग्रीकल्चर करने लग रहे हैं, एंड एक के बाद एक दूसरे एरिया के अंदर जाने लग रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो होने लगने लग रहे हैं। तो ये एक मेन कारण है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण तो है ही भाई, जितनी ज़्यादा फैक्ट्री खुलेगी उतनी ज़्यादा जो लकड़ी की ज़रूरत है वो ज़्यादा पड़ेगी, एंड अगर उनकी ज़्यादा पड़ेगी तो हमें जो फॉरेस्ट जो है वो काटने पड़ेंगे। एंड फॉरेस्ट अगर ज़्यादा काटेंगे तो उससे क्या होता है कि फॉरेस्ट जो है काफ़ी छोटे पैचेस तक जो है सिमट के रह जाते हैं, एंड इट अफेक्ट एनिमल्स पर्टिकुलरली जो लार्जर टेरिटरीज़ के हैं, जैसे कि टाइगर है, लायन है, ऐसे बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उनको बड़ी टेरिटरी चाहिए होती है। लेकिन बड़ी टेरिटरी ना हो तो वो फिर क्या करेंगे, वो उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया पे जो है जाएंगे, एंड जब दूसरे एरिया के अंदर जाते हैं तो नॉर्मली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि गांव के अंदर शेर आ गया या फिर शहर के अंदर जो है वो शेर आ गया। वो शेर वहाँ पे गया क्यों, वो इस वजह से गया क्योंकि उसकी जो टेरिटरी थी यानी कि उसका जो फॉरेस्ट था वो तो हमने काट दिया, तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे आएगा, शहर की तरफ आएगा, एंड आएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मार देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होने लग रहा है, जो पॉपुलेशन जो है वो कम होने लगने लग रही है, बिकॉज ऑफ हम उनका हैबिटेट जो है ख़त्म करने लगने लग रहे हैं। अगर ऐसा अगर चलने लग रहा है तो उससे क्या होता है, पॉपुलेशन कम होती है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन कम होती है तो जेनेटिक एक्सचेंज जो है पॉपुलेशन के अंदर वो कम होने लग जाता है, और जो जीन्स जो है अच्छी वाली जीन्स वो कम होने लगने लग जाती है, एंड अल्टीमेटली पॉपुलेशन जो है और भी ज़्यादा जो है कम होने लगने लग जाती है। ये एक प्राइमरी कारण है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़ का, क्योंकि अगर घर ही अगर किसी का ख़त्म कर दोगे तो आप समझ सकते हो कि वो स्पीसीज़ तो फिर ख़त्म होनी है ही। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले 14% थे लैंड पे, एंड अब वो 6% जो है बचे हुए हैं, एंड जिसको अमेजोन रेन फॉरेस्ट यानी कि लंग ऑफ प्लांट कहते थे, उसके अंदर सोयाबीन की कल्टिवेशन ज़्यादा करने के लिए एंड ग्रेजिंग करने के लिए जो है उसको काफ़ी ज़्यादा काट दिया गया, एंड इसी वजह से आज के टाइम पे जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पर कम दिखे जाने लग रहे हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का कम होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पुराने टाइम के अंदर ये काफ़ी शान की बात हुआ करती थी कि उसने उड़ती चिड़िया के जो पंख है वो काट दिए, या फिर उसके ऊपर तीर जो है वो चला दिया, या फिर शेर का शिकार करने के लिए वो गया हुआ हैंड शेर का शिकार करके आया है। तो यानी कि एक बहुत बड़ी प्राइड हुआ करती थी किस चीज़ की, हंटिंग के अंदर, कि एक्सप्लोइटेशन है वो ज़्यादा करें, प्लांट को जो है ज़्यादा काटे, एनिमल्स को जो है ज़्यादा मारे, उससे क्या होगा, नाम जो है ज़्यादा होगा। तो जब इस टाइप के काम होंगे यानी जब ओवर एक्सप्लोइटेशन होगा तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो कम होगी। जैसे कि टाइगर है एंड पैसेंजर पिजन ऐसे एनिमल्स है जिनका शिकार काफ़ी ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो हो गई है। इसके अलावा अगर कोई एलियन स्पीसीज यानी कि जो यहाँ की स्पीसीज नहीं है, बाहर की स्पीसीज है,
अगर वो नेटिव हैबिटेट के अंदर आ जाए, यानी कि एक स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर आ जाए, तो वो एक्सटिंक्शन इवेंट स्टार्ट कर सकती है इंडिजीनियस स्पीसीज के अंदर। किस तरीके से? अगर बाहर वाली स्पीसीज अगर यहाँ पर आएगी तो हो सकता है वो एक प्रीडेटर हो, या फिर हो सकता है सेम फूड हो तो कंपटीशन जो है वो स्टार्ट कर दे, या फिर हो सकता है कि वो कोई डिजीज जो है नई जो है वो डेवलप करना जो है स्टार्ट कर दे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो नेटिव स्पीसीज है उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होने लग जाती है। एंड इसे कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि नील पर्च, वो लेक विक्टोरिया के अंदर जो कीनिया के अंदर है उसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, 200 स्पीसीज जो नेटिव फिश की थी वो उसने एक्सटेंट कर दी थी। इसके अलावा अफ्रीकन कैट फिश है, वो एक्वाकल्चर के अंदर एक्वाकल्चर के लिए इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसकी वजह से होने क्या लगने लग रहा है कि इंडिया की जो कैट फिश है उनकी पॉपुलेशन कम होने लगने लग रही है। इसके अलावा कैरेट ग्रास जिसको पार्निथियम कहते हैं, लेंटना है, इसके अलावा वाटर हाइसिंथ है। वाटर हाइसिंथ के बारे में तो आप सभी को पता है कि उसकी वजह से कितनी सारी स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो गई, एंड उसकी वजह से तो जो टेरर ऑफ बंगाल जो है इस वजह से उसको नाम भी जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि अगर एक स्पीसीज ख़त्म होने लग रही है तो दूसरी भी उसके साथ में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दे आर ओब्लिगेटरी ज्वाइंट विद ईच अदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर होस्ट की स्पीसीज अगर ख़त्म हो जाती है तो जो पैरासाइट था जो उसके ऊपर रहता था एंड वो ओब्लिगेट था उस स्पीसीज के ऊपर, तो वो जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से एक पोलिनेटर अगर ख़त्म हो जाता है तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होगा, अल्टीमेटली उसका भी जो एक्सटेंशन इवेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड वो भी एक्सटेंट हो जाएगा। तो यानी कि ये चार बड़े कारण हैं जिसके द्वारा जो स्पीसीज जो है वो एक्सटेंट होने लग रही हैं। बट सबसे मेन क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जो हैबिटेट है वही ख़त्म होने लग रहा है, या फिर जो हैबिटेट था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगने लग रही है। तो अगर इनकी पॉपुलेशन कम होने लग रही है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम एक नहीं, बहुत सारी है। वो क्या, थोड़ा समझते हैं भाई। अगर बायोडाइवर्सिटी होगी, यानी डिफरेंट टाइप के प्लांट होंगे, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होंगे, तो उनसे क्या होगा, अगर प्लांट डिफरेंट टाइप के होंगे तो उससे क्या होता है, हमें जो फूड जो है वो मिलता है, वुड जो है वो हमसे मिलता है, वुड जो है वो उन फॉरेस्ट से जो मिलता है। अधिकतर जो मेडिसिन प्लांट है वो फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो गए तो मेडिसिन प्लांट जो है वो कहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा अगर एनिमल्स के अंदर देखें तो वो फूड चेन बनाता है, जिसकी वजह से एक सिस्टम जो है वो बना रहता है। जब से फॉरेस्ट कम होने लगा है उसकी वजह से जो प्योर एयर है वो कम हो गई है, उसकी वजह से जो ग्रीनरी थी, जो ब्यूटी थी नेचर की, वो कम होने लगने लग रही है। इसके अलावा अगर आप अपने खुद गोल्ड को भी देखें, जैसे कि आप अपने गणेश को देखें, तो गणेश के साथ भी चूहा जो है वो पाया जाता है, उसके ऊपर हाथी का सिर जो है वो पाया जाता है। अगर आप शिव जी को देखोगे तो गायें जो है उनके साथ पाई जाती है। अगर आप लक्ष्मी को देखोगे या फिर डिफरेंट कोई भी देवी देवता देखेंगे तो कोई कमल के ऊपर है, कोई जो शेर के ऊपर है। तो इतने सारे जो आपके देवी देवताएँ हैं वो भी कहाँ पर है, वो भी नेचर के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि जब भगवान ही वहाँ पर है एंड हमारे फ़ायदा भी वहाँ से होना है, आने वाले टाइम के अंदर हमें पानी भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए, तो हमें उनका क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन जो है करनी चाहिए। एक रिवर्ट पॉपर हाइपोथीसिस और दी गई है इसको लेकर के। रिवर्ट पॉपर क्या कहता है कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का सिस्टम है, यानी हमारा जो एक इकोसिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती है, एंड उनको समझ सकता है कि वो डिफरेंट स्पीसीज जो है उनको समझ लें कि वो एक रिवर्ट है, यानी कि एक कील है। आप अपने इकोसिस्टम को समझे कि एक बड़ा जहाज़ है, जहाज़ के अंदर जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं एंड वो सभी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं विद दी हेल्प ऑफ रिवर्ट, यानी कील के साथ जो है जुड़े होते हैं। सिमिलरली हमारा जो इकोसिस्टम है उस वो भी कई सारे पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है एंड सभी पार्ट को जोड़ने के लिए एक स्पीसीज जो है वो होती है। जिस तरीके से अगर एक एरोप्लेन को अगर आप, यानी कि अगर एक जहाज़ कि अगर एक रिवर्ट निकाल दे तो माइट भी कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन अगर हर पैसेंजर अगर एक एक कील अगर उनसे निकालता चला जाएगा तो डैमेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एंड अल्टीमेटली हो सकता है कि क्रैश जो है हो जाए। सिमिलरली नेचर के अंदर भी हो सकता है कि एक स्पीसीज को ख़त्म करने की वजह से कोई भी फर्क ना पड़ता हो, लेकिन अगर कंटिन्यूसली एक्सटेंशन इवेंट अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हो सकता है बिल्कुल जो है क्रैश हो जाए। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि अगर एरोप्लेन के अंदर एक पर्टिकुलर कील अगर विंग से निकाल दी गई या फिर इंजन से निकाल दी गई तो उसकी वजह से क्रैश जो है वो ज़्यादा हो सकता है, वो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सिमिलरली इकोसिस्टम के अंदर कौन सी स्पीसीज ज़्यादा हार्मफुल है
वो भी पता बाद में लगेगा, तो ऐसा ना हो कि हम उस स्पीसीज को ख़त्म कर दें जो नेचर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्ट पॉपर हाइपोथिस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टिलमैन ने भी बताया है कि अगर कोई स्टेबल कम्युनिटी है तो उसके अंदर सीजनल वेरिएशन कम होंगे, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है नॉर्मली जो है वो हाई रहेगी, सस्टेन रहेगी, ईयर टू ईयर जो है वो एक जैसी रहेगी। दूसरा, जो एक स्टेबल इकोसिस्टम होता है वो रिसाइलेंट होता है। रिसाइलेंट का मतलब क्या है, अगर उसके अंदर कोई डैमेज हो भी जाए तो इमिडिएटली उसके अंदर रिकवरी जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, वो कोई भी एलियन स्पीसीज है उसको लेकर जो है रेजिस्टेंट होता है। तो नॉर्मली डेविड टिलमैन ने ये बताया कि अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से एक सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्टिविटी है वो वहाँ पे जो है कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की कौन कौन सी अप्रोच हो सकती है, वेल दो मेन अप्रोच है। एक जो अप्रोच है उसको बोलते हैं इन सेटू कंजर्वेशन, एक को बोलते हैं एक्स सेटू कंजर्वेशन। इन सेटू का मतलब है ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब क्या है कि जो प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं अगर वो उसी एरिया के अंदर ही प्रिजर्व कर दिए जाएं। कैसे प्रिजर्व करेंगे, या तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित कर लो, सेंचुरी जो है वो घोषित कर दो, या फिर नेशनल पार्क जो है वो बना दो। उससे क्या होगा, उनका वहाँ पर कोई भी शिकार नहीं करेगा और अल्टीमेटली वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो धीरे धीरे करके ग्रो होगी एंड एनिमल जो है वो अपनी नेचुरल करेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप कर पाएगा। एक दूसरा तरीका भी है एक्स सेतु। एक्स सेतु का मतलब क्या है कि आप एनिमल्स या प्लांट को वहाँ से निकाल करके दूसरे एक वेल प्रिजर्व्ड एरिया के अंदर जो है रख दो। जैसे कि प्लांट अगर एक्सटिंक्ट होने वाले हैं तो उनको बोटेनिकल गार्डन के अंदर, अगर एनिमल एक्सटिंक्ट होने वाले हैं तो उस एनिमल को जो जूलॉजिकल पार्क है उसके अंदर जो है रख दें। तो उससे क्या होगा, उसका कोई भी शिकार नहीं करेगा, खाना भी उसको मिलता रहेगा एंड वो जो है वो जिंदा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर जैसे शेर जैसे एनिमल को अगर आप जू के अंदर रखने लगने लग रहे हो तो जो शेर है वो अपनी नेचुरल करैक्टरिस्टिक डेवलप जो है वो नहीं कर पाएगा। जैसे कि उसका नेचुरल करैक्टर क्या है, शिकार करना, लेकिन वो शिकार करना जो है वो नहीं जान पाएगा। तो शेर जो है देखने को होगा लेकिन उसके काम जो है वो शेर वाले नहीं होंगे। तो बेटर तरीका तो यही है, लेकिन अगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है तो इट्स बेटर कि हम उस पॉपुलेशन को शिफ्ट कर दें एक एक नेशनल पार्क, सॉरी एक जो जूलॉजिकल पार्क है, या फिर अगर प्लांट है तो बोटेनिकल गार्डन के अंदर उसको जो पास कर। सो देयर आर सम इन सेतु कंजर्वेशन विच वी नीड टू डिस्कस। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक काफ़ी बड़ा एरिया होता है, या तो लैंड का हो सकता है या वाटर का हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, यानी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एंड उस डाइवर्सिटी के अंदर जो यूनेस्को है वो ह्यूमन की पॉपुलेशन एंड जो प्लांट एनिमल की स्पीसी है उसके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उनको इकट्ठा जो है बनाए रखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। उसके लिए जो है ये मैप प्रोग्राम जो है स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैन एंड द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर एक बड़ा एरिया होता है, यानी कि एक काफ़ी बड़ा जंगल है जहाँ पे ह्यूमन एंड एनिमल प्लांट जो है वो इकट्ठे रहते हैं एक हारमोनी बनाने के लिए। एंड ये यूनेस्को के द्वारा जो है बनाया जाता है। और अगर हम इसके बारे में देखें तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर तीन एरिया पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक है ट्रांजिशन, दूसरा है बफर और तीसरा है कोर जोन। कोर का जैसे हमें इस डायग्राम से दिखाई देने लग रहा है ठीक सेंटर में है, बफर जो है वो बीच में है, ट्रांजिशन जो है वो सबसे ऊपर यानी कि बाहर वाला एरिया होता है, यानी कि फॉरेस्ट का वो बाहर वाला एरिया जहाँ पर कोई टाउन, फार्म, फिशरीज या फिर कोई ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे उनकी कल्चरल एक्टिविटी हो या फिर इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, अगर वो चीज़ होने लग रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन वो एरिया है जहाँ पर वो अपने घर, अब ये तो है नहीं कोई ईंट पत्थर से बनाएंगे, जो लकड़ी वगैरह है उनसे ही अपना जो है ट्रेडिशनल तरीके से जो है वो अपना घर जो है बनाते होंगे। दूसरा है बफर जोन। बफर जोन जो है उसके अंदर इको टूरिज्म जो है वो किया जा सकता है, इकोलॉजिकल प्रैक्टिस जो है वो की जा सकती है, कुछ रिसर्च जो है वहाँ पे की जा सकती है, लेकिन वहाँ पर जो इंसान जो है वो अपना घर नहीं बनाएगा, वो अपने वहाँ पे जो है वो रहेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम बाहर से अंदर की तरफ गए तो कुछ लिमिटेशन जो है वो लगने लग गई। लास्ट में है कोर जोन, और जो कोर जोन है वहाँ पे केवल रिसर्च की जा सकती है या फिर कोई लो इम्पैक्ट वाला यूज़ जो है वो किया जा सकता है, इसके अलावा वहाँ पर
ना तो कोई नॉर्मल ह्यूमन जा सकता, ना इसके अलावा वहाँ पे जो टूरिज्म जो है वो हो सकता, केवल साइंटिस्ट जो है वो अपनी जनरल एक्सरसाइज जो है वो रिसर्च की जो है वो कर सकते हैं, इसके अलावा जो है कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर तीन डिफरेंट एरिया है, यानी तीन डिफरेंट लेवल है जहाँ पर एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी इंटेंसिटी इकोसिस्टम के ऊपर क्या पड़ सकती है उसके बेस पर इसको कैटेगराइज जो है कर रखा है। इसी तरीके से हॉटस्पॉट एक इन सेतु कंजर्वेशन है। हॉटस्पॉट का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है एंड वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो थ्रेटन्ड है ह्यूमन की वजह से, यानी एक्सटेंशन वहाँ पर उतना ही ज़्यादा होने लगने लग रहा है। इंडिया के अंदर तीन हॉटस्पॉट जो पाए जाते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट के अंदर है, इंडो बर्मा का जो रीजन है उसमें है, और हिमालय के अंदर है। वर्ल्ड के अंदर टोटल मिला के 34 हॉटस्पॉट है, जिसमें से तीन जो है वो इंडिया के अंदर है। इन सेतु कंजर्वेशन के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है, एक है नेशनल पार्क और एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? वैसे तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर उसकी नेचुरल ब्यूटी या फिर हिस्ट्री को देखते हो या फिर वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए उसको जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है वो एरिया। बट अगर गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट अगर केवल एनिमल्स को बचाने के लिए उस एरिया को प्रोटेक्ट करने लग रहे हैं तो उसको क्या कह देते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका मतलब जो नेशनल पार्क है वो तो हिस्ट्री का भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ का भी हो सकता है, या फिर खाली उसके अंदर ब्यूटी और पत्थर वगैरह कुछ ऐसी हो या फिर कुछ लेक वैसी हो उसके हिसाब से हो सकता है, लेकिन सेंचुरी तो केवल एनिमल्स के लिए होती है। और एनिमल के लिए है तो यहाँ पर ग्रेजिंग जो है वो अलाउड होती है लाइव स्टॉक के लिए। क्या इसके अंदर अलाउड होती है? नहीं, इसके अंदर अलाउड नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? इनइक्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा हायर होती है और इनइक्वालिटी जो है वो कम होती है। तो इनको जो है अपग्रेड किया जा सकता है किसके अंदर? नेशनल पार्क के अंदर। लेकिन इनको जो है नेशनल पार्क को डाउनग्रेड नहीं कर सकते। अगर डाउनग्रेड करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही। जैसे एग्जांपल के तौर पर सरसंग गिर जो है वो पाया जाता है गुजरात के अंदर। इसके अलावा इंडिया की अगर बात करें तो अपने गुड़गांव जो एरिया है उसके अंदर सुल्तानपुर नेशनल पार्क पाया जाता है, अच्छा पार्क है, देखना आपका भी वहाँ पे। इसके अलावा सेक्रेड ग्रू, सेक्रेड क्या होते हैं? जो सेक्रेड है यानी कि जो पवित्र जगह है, और ग्रू का मतलब क्या है? एक ऐसा फॉरेस्ट का पैच है जो वर्शिप वाले एरिया के आसपास में है। तो अगर कहीं पे मंदिर है और मंदिर के आसपास में अगर फॉरेस्ट अगर बना हुआ है तो उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं? सेक्रेड ग्रू। तो फिल्मों के अंदर देखा भी होगा कि काली माता के मंदिर के अंदर जो है जाते हैं और बीच में जो है वो जंगल जो पाया जाता है, तो वो एक एग्जांपल हो सकता है किसका? सेक्रेड ग्रू का। वैसे तो अरावली हिल्स के अंदर ही पाए जाते हैं, खासी और जयंतिया की हिल्स मेघालय के अंदर पाई जाती है, वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ पर जो सेक्रेड ग्रू जो है काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पर स्पीसीज पाई जाती है। कैसी? एंडेमिक। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी होती है जो केवल उसी एरिया के अंदर पाई जाती है और किसी भी एरिया के अंदर नहीं पाई जाती। इसके अलावा यहाँ पर कुछ रेयर स्पीसीज और इंडेंजर्ड स्पीसीज भी पाई जाती है, एंड यहाँ के जो लोकल पर्सन है वो उस फॉरेस्ट को बचाए रखते हैं, साथ में वाइल्ड लाइफ को भी जो है बचाए रखते हैं। इसके अलावा आगे देखें तो एक सफारी पार्क होता है। तो आपने आई थिंक देखी होगी जुरासिक पार्क वाली मूवी, आपने देखी होगी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि कार लेके जो है डायनासोर को देखने के लिए जो है जाते हैं, तो वो कार लेके जो डायनासोर को देखने के लिए जाने लगने लग रहे हैं तो वो एक पार्क है, पार्क किस टाइप का? सफारी सफारी वाला। तो यानी एक जू है, यानी एक पार्क है जो कमर्शली टूरिस्ट के लिए जो है यूज़ किया जाता है। उसके अंदर जो विजिटर है वो एक अलग से उसको कार या फिर जो व्हीकल जो है वो दे दिया जाता है, जिसके द्वारा जो है वो उस एरिया पे घूम सकता है एंड जो वाइल्ड एनिमल जो है उसको देख सकता है। एक एक्स सेतु कंजर्वेशन के अंदर एक अलग टाइप की प्रिजर्वेशन जिसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, उसके अंदर क्या किया जाता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के उनके स्पर्म एग या एम्ब्रियो या सीड या फिर जो स्पोर जो है उसको -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो उसको ठंडा कर दिया जाता है एंड इनएक्टिव करके उसको बाद में जब ज़रूरत होती है तो उसको फंक्शनल जो है बना दिया जाता है। तो अगर सीड अगर काफ़ी ज़्यादा अगर क्रायो प्रिजर्व जो है करने हैं तो उसके लिए जो है सीड बैंक जो है अलग से बनता है, पोलन ग्रेन के लिए पोलन बैंक जो है वो अलग से बनता है। इंटरनेशनल एफर्ट की अगर बात करें तो दो सम्मिट हो चुकी है, एक अर्थ सम्मिट हुई है, कब हुई थी? 1992 के अंदर रियो डी जनेरियो के अंदर, पिछला जो ओलंपिक है वो यहीं पे हुआ था। दूसरा जो है वर्ल्ड सम्मिट हुई है कब? 2002 के अंदर जो जोनसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था।
इन इनके अंदर एजेंडा क्या था? वेल, सस्टेनेबल यूजेस का था एजेंडा, कि जो है सस्टेन करेंगे, कंजर्व जो है वो करेंगे, एंड कुछ ना कुछ इसके ऊपर काम भी होने लगने लग रहा है। जैसे आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर देखो या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर देखो, तो BS5 जो है लाई गई है ताकि पोल्यूशन जो है वो कम हो। इसके अलावा मेट्रो जो है चलने लग रही है, वो कम पोल्यूशन करती है। नॉर्मल जो ट्रेन जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जितना ज़्यादा हम आते चले जाएंगे, उतना पोल्यूशन जो है वो कम होता चला जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा फ़र्क जो है वो लाएगा आने वाले टाइम के अंदर। तो इंजन जो है ज़्यादा एडवांस होने लग रहे हैं, पेट्रोल डीजल जो है वो रिलेटिवली और प्योर जो है वो मिलने लग रहा है, एंड जो इम्प्रूवमेंट है वो इंजन के अंदर भी, यानी टेक्नोलॉजी के टर्म में भी, और साथ में हमारी लाइफ के अंदर भी जो है आने वाले टाइम के अंदर और आएगी। एंड आज के टाइम में तो होता भी ऐसा है कि मान लो अगर किसी जगह मेट्रो बनानी है एंड वहाँ पे फॉरेस्ट है, तो उस फॉरेस्ट को अगर वहाँ से काट दिया गया है तो दूसरी जगह जो है उनको इम्प्लांट कर दिया जाता है, यानी कंपनसेशन जो है कर दिया जाता है कि इसके बदले वहाँ पे फॉरेस्ट जो है डेवलप कर दिए, तो यानी बात जो है वो बराबर सी आ गई। तो काम तो काफ़ी ज़्यादा जो है चला हुआ है, एंड होपफुली जो एक्सटेंशन इवेंट जो चला हुआ है उसको हम स्लो डाउन जो है कर पाएंगे। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपके कोई डाउट है तो उसको कमेंट कीजिए, क्योंकि ये एंड लेक्चर है। अगर आपको कोई डाउट है कि कोई अगर अलग से कोई वीडियो बनानी है तो आप उसको कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए कोई अलग से जो वीडियो है आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, लाइक नहीं किया तो, एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स।